जय श्री राम। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान की कुछ ऐसे वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आपको भी लगेगा भगवान सच में होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले और बाजू वाले बेल आइकन को ऑन करना ना भूले। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा चमत्कारी मंदिर जहाँ पर महालक्ष्मी जी का इतना बड़ा चमत्कार होता है कि वैज्ञानिकों ने भी घुटने टेक दिए। और ये मंदिर है नागपुर का कुराड़ी माता मंदिर। और इस मंदिर में माता की मूर्ति का रूप दिन में 3 बार बदलता है। और जब आप सुबह के टाइम में इस मूर्ति को देखोगे तो आप लोगों को साफ नजर आएगा कि मूर्ति अपने बचपन वाले रूप में आ चुकी है। और जब आप दोपहर के टाइम में देखोगे तो आप लोगों को युवा अवस्था में दिखेगी। और जब आप इस मूर्ति को शाम के समय देखोगे तो आपको साफ नजर आएगा कि ये मूर्ति अपने वृद्ध समय में आ चुकी है। और माना जाता है कि जो कोई भी इस मंदिर में आकर माता के दर्शन लेता है तो उसके पूरे जीवन में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप लक्ष्मी माता जी को मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय लक्ष्मी माता लिखना मत भूलिएगा। 24 मार्च 2023। आप सभी ने रात के समय ये नजारा तो देखा ही होगा और इस चमत्कार को देखकर कई लोग हैरान भी हो चुके थे। आप जिस चांद के नीचे तारे को देख रहे हैं लेकिन वो कोई तारा नहीं है बल्कि वो है शुक्र ग्रह। और ये बसंती नवरात्र का 3रा दिन था जो कि हूबहू माँ दुर्गा जी का तिलक लग रहा था। और ये रहा उस अनोखी वीडियो की एक छोटी सी क्लिप। दोस्तों, जिस किसी ने भी नवरात्र के दिन इस चंद्र घटना को अपनी आंखों से देखा है वो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, और ऐसा ही घटना 28 मार्च को भी देखने को मिला जहां पर आपको 5 ग्रह एक साथ देखने को मिल सकते हैं जो कि मून के नीचे पूरी सीधी लाइन में खड़े हैं। और उन ग्रहों का नाम है जुपिटर, मरकुरी, वेनस, यूरेनस एंड मार्स। और अगर आपने उस नजारे को नहीं देखा तो ये रहा उसी वीडियो की एक छोटी सी क्लिप। दोस्तों, ये वीडियो हनुमान जी के मंदिर में रिकॉर्ड किया गया था और इस वीडियो में आप जो देखोगे जिसे देखकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक अधमरा सा पक्षी अपने अंतिम समय में भगवान श्री राम जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है। और कुछ समय बाद वो पक्षी श्री राम जी के पास बैठकर अपनी आखिरी सांस लेता है। और इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कि जटायु श्री राम जी के पास बैठकर अपनी आखिरी सांस ले रहा हो। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है या आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, क्या श्री राम जी ने इस धरती पर सचमुच में जन्म लिए थे और क्या रामायण सत्य घटना पर आधारित है? दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि रामायण एक काल्पनिक कथा है। अगर आप भी उनमें से एक हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, रामायण का सबसे बड़ा सबूत राम सेतु है। इसे श्री राम जी ने श्रीलंका में जाने के लिए बनाया था और ये कोई मामूली ब्रिज नहीं है। इसके हर एक पत्थर पर श्री राम जी का नाम लिखा हुआ है और इसी कारण के चलते ये पत्थर पानी पर तैरता है। और ये भी कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद उसके शव को श्रीलंका के एक बड़े से गुफा के अंदर रखा गया है। और श्रीलंका में अभी भी संजीवनी पर्वत है जहाँ पर अलग अलग तरीके के जड़ी बूटी पाए जाते हैं। दोस्तों, अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये वीडियो 2019 में गुरुवार के दिन रिकॉर्ड किया गया था और इस दिन को साईं बाबा जी का दिन मानते हैं। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि साईं बाबा जी के मंदिर में एक नाग आया हुआ होता है। फिर वो नाग कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर आपको भी विश्वास नहीं होगा। यहाँ पर वो नाग सीधा जाकर साईं बाबा जी के पैरों के पास जाकर बैठ जाता है, मानो कि वो साईं बाबा जी का दर्शन ले रहा हो। और वहाँ के कई लोगों का मानना है कि ये एक इकलौता प्राणी नहीं है जो कि यहाँ पर दर्शन लेने के लिए आया है। और साईं बाबा जी के मंदिर में ऐसे ही अनेकों चमत्कार होती रहती है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहते हैं या आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप साईं बाबा जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में ओम साईं राम लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, इससे आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।